आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। जिला अस्पताल में शनिवार को सहायक अध्यापक के चयनित अभ्यर्थियों की भीड़ देखने को मिली। ये सभी चयनित अभ्यर्थी जिला अस्पताल में अपना हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आए थे। भीड़ के चलते यहां न सिर्फ जमकर सामाजिक दूरी का उल्लंघन हुआ बल्कि अच्छी खासी अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली। तस्वीरों में जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये नज़ारा ताजनगरी के जिला अस्पताल का है और तस्वीरों में आप जो भीड़ देख रहे हैं ये भीड़ उन चयनित अभ्यर्थियों की है जो शिक्षक बनने जा रहे हैं, मगर तस्वीरें बता रही हैं कि ये सभी कितने अनुशासित हैं। तो वहीं इस दौरान जहां ताजनगरी में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो वहीं ये चयनित अभ्यर्थी कोरोना वायरस जैसी महामारी को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे मानो कोरोना वायरस जैसी महामारी कुछ है ही नहीं। हालांकि इसमें सारी गलती शिक्षकों की नहीं है, कहीं न कहीं कोई न कोई चूक जिला अस्पताल प्रशासन से भी हुई होगी, तभी ये भीड़ बेकाबू नजर आ रही है। हर अभ्यर्थी अपना सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लगातार प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि वो अपना हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सुबह करीब 9 बजे से खड़े हैं और उन्हें कई घंटे खड़े हुए हो गए हैं, जिस पर SIC जिला अस्पताल का कहना है कि एक तरफ जो डॉक्टर मरीजों को देख रहे हैं, क्योंकि जिला अस्पताल में रोजाना 1000 से अधिक मरीज OPD के लिए आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सहायक शिक्षक के लिए चयनित अभ्यर्थी भी बड़ी संख्या में जिला अस्पताल में अपना हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आ रहे हैं, जिस कारण ये भीड़ अचानक बढ़ गयी है। देखिए, हमारे यहाँ तो आज सैटरडे तो बहुत मरीजों की बहुत ज्यादा भीड़ होती है और साथ ही साथ ये नियुक्ति पत्र दिए गए सहायक अध्यापकों की शायद भर्ती है, तो इसमें इनका सर्टिफिकेट मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मांगा गया है, लेकिन वो हमारे यहाँ पहुँच गए सीधे, तो उनको मैंने SCMO साहब से बात की है, तो उनको वापस वहीं से रेफ़र होके जो आते हैं मेरे यहाँ जांचों के लिए आएंगे, तो वो जांचें जितने वो रेफ़र करेंगे वो हम नियमित रूप से कराएंगे। डेली का रूटीन ये इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, चूँकि रूटीन में हमारी तमाम मरीज ऐसे जिनकी पैथोलॉजी, जिनकी खून की जाँच, एक्सरे नियमित रूप से हो रहे हैं, इसमें ये एक्स्ट्रा पर ये लोग आ गए हैं, तो इनको एक क्रमानुसार हम जांचें कराएंगे। लेकिन जिला अस्पताल की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि उन लोगों के अंदर अब कोरोना वायरस जैसी महामारी का कितना डर रह गया है। जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर भी कहीं न कहीं ये तस्वीरें सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। जहाँ एक और ताजनगरी में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी और फिर घटी, और लेकिन अब फिर धीरे धीरे बढ़ने का आसार है। BED की काउंसलिंग के बाद अब नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं और अब मेरे जो नए ज्वाइनिंग करने वाले जो शिक्षक हैं अब वो जिला अस्पताल का रुख कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें स्वास्थ्य सर्टिफिकेट चाहिए। स्वास्थ्य सर्टिफिकेट की क्या कुछ स्थिति है मैं आपको दिखाता हूँ। तस्वीरों में कैमरामैन को चाहूँगा वो दिखाएं कि लगातार सामाजिक दूरी का जमकर उल्लंघन हो रहा है, कहीं कोई इंतज़ाम फिलहाल नज़र नहीं आ रहे सामाजिक दूरी के, ऐसे में कहीं ना कहीं ये भीड़ न्योता दे रही है कोरोना संक्रमण को, और कहीं ना कहीं एक बार फिर अगर हालात इसी तरीके के रहे, तस्वीरें इसी तरीके की सामने आती रहीं, तो निश्चित ही जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। साथ ही लगातार जो यहाँ आने वाले मरीज जो शिक्षक हैं वो सुबह बताया जा रहा है कि 8 बजे से यहाँ आना उनका शुरू हो गया और लगातार धीरे 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 इन जो शिक्षकों की भीड़ बढ़ने लगी, तो वहीं OPD में भी 1000 से 1200 मरीज डेली जिला अस्पताल में देखे जाते हैं। ऐसे में BED के शिक्षकों की जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं समस्या को और बढ़ा सकती है। कैमरा पर्सन अनुप बघेल के साथ अनिल कुमार सिंह, सी न्यूज़ आगरा।